क्या आप जानते हैं हजरत नूह अली सलाम की कश्ती इस वक्त कहाँ है? तो महान साइंसदानों का कहना है कि नूह अली सलाम की कश्ती का निशानात तुर्की के एक पहाड़ के कोहे अरारात में मिले हैं, जिसकी चोटी तकरीबन 14,000 फीट ऊंची है। इस कश्ती के 3 मंजिलें हैं। ये कश्ती कई मीटर बर्फ के नीचे दबी हुई है। हजरत नूह अली सलाम की कश्ती 300 गज लंबी और 50 गज चौड़ी और 30 गज ऊंची थी। चीनी माहिरीन का कहना है कि जब उन्होंने इस कश्ती की लकड़ी की रिसर्च की तो वो यकीन से ये बात कह सकते हैं कि यह कश्ती हजरत नूह अली सलाम की है, क्योंकि ये कश्ती लगभग 4,800 साल पुरानी है और 4,800 साल पहले ही हजरत नूह अली सलाम का दौर था कि जब उन्होंने अल्लाह के हुक्म से तूफान नूह से बचने के लिए कश्ती बनाई थी, जिसका जिक्र हमें कुरान हदीस में मिलता है। सूरह हूद आयत नंबर 44 में अल्लाह ताला फरमाता है, और खुदा की तरफ से हुक्म दिया गया, ए जमीन अपना पानी गर्क कर और ये आसमान बरसने से थम जा, और देखते ही देखते पानी घट गया और नफरमान लोगों का काम तमाम कर दिया गया।